नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। इस समय की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि मूसलाधार बारिश से जूझने बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के डोंगरी में 4 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत के मलबे के नीचे करीब 40 से 50 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौके पर NDRF, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस समेत कई रेस्क्यू गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता सुनील शर्मा, तो चलिए उनसे जानते हैं वहां का हाल। जी सुनील जी, इस समय क्या हालात है वहां पे और किस तरह से रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची और क्या कुछ वहां पे हो रहा है, कितने लोगों को इस समय बचा लिया गया है? तो देखा जाए मुंबई के डोंगरी परिसर में 4 इमारत गिरी जिसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें और जानकारी भी मिल रही है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो 40 लोग से ज्यादा यहाँ पे घायल है। बीएमसी के लोग लापरवाही बताई जा रही है, बारंबार बीएमसी लापरवाही बताई। यहाँ पे 4 पहले भी इमारत गिर चुकी थी जी, लेकिन साल भर पुरानी इमारत थी और जिस तरह का बारिश के मौसम में एक रेस्क्यू टीम भेजी जाती है वहां पे पूछताछ के लिए, उस तरह की कोई वहां पे जांच प्रक्रिया वगैरह नहीं हुई थी कि बारिश का समय है तो बिल्डिंगों की जो जाँच होती है? देखा जाए तो बीएमसी हमेशा लापरवाही करती है, जांच के आदेश आते हैं लेकिन जांच भी नहीं हो पाती इनके वजह से, और कहीं ना कहीं इसमें बीएमसी की लापरवाही बताई जा रही है। अभी फिलहाल मलबे में और कितने लोगों की फंसे होने की आशंका जताई जा रही है? 40 से 50 लोगों की मलबे में आशंका बताई जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से डोंगरी में अभी भी फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लोगों को, बच्चों को वहां से जो जीवित हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही मृतक लोगों की भी संख्या सामने आ रही है और इस आंकड़ा बढ़ भी सकता है लोगों का वहां पे। लेकिन ये हर बार एक सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जब बारिश का मौसम आता है तो ये सर्वे किया जाता है हर जगह जाके, उस बिल्डिंगों में जाके, कि वो बिल्डिंगें बारिश को सहने की और मानसून को सहने की ताकत रखती हैं या नहीं, और अगर वो नहीं रखती हैं तो वहां से लोगों को खाली कराना ये बीएमसी का बहुत बड़ा जो रोल प्ले करता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसको हमेशा से ही ये लोग नजरअंदाज करते आए हैं, जिसकी वजह से ये 100 साल पुरानी इमारत जो काफी कमजोर थी ढह गई है और जिसमें 40 से 50 लोगों की अभी भी दबे होने की खबर सामने आ रही है। इसी ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया।